ज्ञानतिमिरांध्यस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐ छय गोसाई करी चरण बंदन जाहा हैते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। घुमा लो हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण स्वर्ज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को जथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। आज एक विशेष तिथि है, आज श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का आज तिरुभाव तिथि है। कदी जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है कहती है कृष्ण लीला में गुणमंजरी और कहीं कहीं इनकी बात बंद कहते हैं अनंग मंजरी, कहीं कहीं तुलसी मंजरी। इनकी सब अलग 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 नाम शास्त्र में बताया है, क्योंकि जो महाप्रभु का जो परिकर है ये सबके सब परिपूर्ण है। जैसे कृष्ण लीला में देखो अगर रूप मंजरी हो तो रूप मंजरी अकेली है, और लवंग मंजरी हो तो लवंग मंजरी अकेली है। अगर उसमें ललिता हो ललिता केवल उसमें अकेली, लेकिन महाप्रभु की लीला में देखो जैसे श्री राय रामानंद कहते एक साथ में वो अनेक रूप है, कहते उनके अंदर में ललिता का भी कुछ अंश है, विशाखा तो है ही है, कहते अर्जुन ना सखी अर्जुन बहुत बहुत राय रामानंद इनके अंदर में पूर्ण महाप्रभु का जो भक्त है वो पूर्ण है महाप्रभु का भक्त है। कहते इन्होंने जो जन्म लिया है ये दक्षिण भारत में ये जन्म हुए हैं। इनका पिताजी का नाम क्या था? वेंकट भट्ट। ये तीन भाई थे वेंकट भट्ट त्रिमल भट्ट और श्री प्रबोधानंद सरस्वती, ये तीन भाई थे। हैं अभी महाप्रभु अभी अलग अलग जगह पर महाप्रभु तो भक्त लोगों को जन्म दिया, लेकिन महाप्रभु स्वयं जन्म हुए गंगा किनारा में। अभी महाप्रभु सारे भक्तों को एकत्रित कर रहे हैं, इसलिए महाप्रभु जब श्री दक्षिण यात्रा किए वहां पर गोदावरी नदी वहां पर है, कावेरी नदी में महाप्रभु स्नान किया, स्नान करते हुए श्री रंग जी की मंदिर है, महाप्रभु जाकर के वहां पर नृत्य कीर्तन कर रहे थे। और महाप्रभु उस समय उम्र कितना था? 26 साल उम्र में महाप्रभु संन्यास लिए और इतने देखने में सुंदर थे। आप बताओ कृष्ण कितने सुंदर है, आप बताओ उनको भी मात करने वाले कौन है? श्रीमती राधा रानी। अगर ये दोनों अगर मिल जाए तो कितना बहु कोटि चंद्र जिनी बदन उज्जवल महाप्रभु। इसलिए महाप्रभु का कीर्तन नृत्य देख करके लोग सबके सब वहां पर एकत्रित हो गए। एकत्रित होकर के वहां पर श्री वेंकट भट्ट भी थे, जानते ही ये सन्यासी ये भिक्षा मांग करके खाने वाले हैं, तो उन्होंने उनको निमंत्रण दिया आज हमारी घर में आपका प्रसाद सेवा है। तो महाप्रभु स्वीकार किया, महाप्रभु तो वहीं जाने का था क्योंकि एक साथ में चार चार भक्त एक घर में जन्म हुए हैं, इसलिए महाप्रभु उनका निमंत्रण का स्वीकार करते हुए गए। और उस समय यही समय था, चातुर्मास का समय था, और महाप्रभु उनको घर में उनको रहे। हम लोग गए थे जहां पर महाप्रभु थे ना, हम लोग दर्शन करते हुए हम लोग गए थे उस स्थान पर, इसलिए महाप्रभु वहीं पर रहे
और चार महीना तक महाप्रभु आपस आपस में हरि चर्चा करते रहे। हरि चर्चा करते 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 पहले जो वेंकट भट्ट है उनका जो इष्ट कौन था? लक्ष्मी नारायण। इसलिए वो सोचते थे लक्ष्मी नारायण मूल है, क्योंकि सृष्टि से पहले नारायण का नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि हुए और उनका आदेश से ही सब कुछ सृष्टि हुआ है, इसलिए मूल कौन है? नारायण है। इसलिए महाप्रभु उनको साथ में बात करते 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 महाप्रभु ने एक प्रश्न कर लिया, बोले वेंकट भट्ट एक प्रश्न का उत्तर दोगे? बोले बताओ। बोले मेरे कृष्ण तो ग्वाला वृंदावन में रहते हैं, गैया को पीछे पीछे चरने वाले घूमने वाले हैं और उनका प्रेयसी ये सब गोपियां राधा रानी है, लेकिन तुम्हारी जो इष्ट है नारायण है वो वैकुंठ में रहते हैं, उनका जो प्रेयसी वो लक्ष्मी है, लेकिन मैंने सुना है तुम्हारी जो लक्ष्मी नारायण का सबसे बड़े भक्त कौन है? कहते लक्ष्मी है। हमने क्या सुना तुम्हारी लक्ष्मी हमारी कृष्ण को पाने के लिए वो बड़े कठोर तपस्या कर रही है, इसलिए मेरे कृष्ण तो ग्वाला तुम्हारी नारायण तो लक्ष्मीपति, वो तो वैकुंठ का अधिपति है, हैं? ऐसे क्यों? जब उन्होंने ये बात को उन्होंने प्रश्न की तब उन्होंने बोले आपने कहां से ये सब बात बोल रहे हो? बोले भागवत से है। बोले भागवत हमें भी पढ़ा है, भागवत में तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, हमारी लक्ष्मी क्या कर रही है? हमारी लक्ष्मी कृष्ण को पाने के लिए तपस्या कर रही है, हैं? ये कहां पर भागवत में आपको मिला? देखो इसलिए यहाँ पर कहते हैं जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे, चैतन्य भक्त तुम्हें नित्य कर संग तबे तो बुझीबे तुम्हें सिद्धांत तरंग। मतलब है कहते अगर भागवत का संपूर्ण रस में डूबना चाहते हो, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं भागवत किसकी अनुगत में सुननी चाहिए? अरे बोलो, वैष्णव। कौन सा वैष्णव? कौन सा वैष्णव? कहते महाप्रभु का जो भक्त है इनकी अनुगत में अगर पढ़ोगे ना, तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं तबे तो बुझीबे तुम्हें सिद्धांत तरंग, तब भी सिद्धांत की तरंग में हैं, तरंग मतलब लहरी में घुस सकते हो, नहीं तो घुस नहीं सकते हो। क्योंकि देखो जैसे भागवत का जैसे प्रथम श्लोक है, हैं? एक श्लोक को बल्लभाचार्य क्या कहते हैं? कहते ये श्लोक किसके लिए बताया गया? कहते श्लोक श्री कृष्ण के लिए है। लेकिन उसी श्लोक को जब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णना करते हैं संपूर्ण राधा रानी पर बताते हैं, लेकिन उसी श्लोक को जो प्रभुपाद व्याख्या करते हैं, प्रभुपाद महाप्रभु का पर व्याख्या करते हैं, वो श्लोक संपूर्ण महाप्रभु में लगाते हैं, हैं? इसलिए उन्होंने पूछा कहां पर है, हैं? बोले ये कहां पर भागवत में? तब श्री चैतन्य महाप्रभु दो तीन जगह से श्लोकों को उठा करके बोले देखो कहां कहां पर भागवत में लक्ष्मी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे कहां कहां पर है। इसलिए एक श्लोक है, बताओ कौन सा श्लोक है? कहते श्री नाग पत्निया, हैं? कहते श्री नाग पत्नी जब कृष्ण को स्तुति करते हैं, बोले कसान भावस्य नदेव विद्महे तवांग्रि रेणु स्पर्शाधिकार, इसलिए कहते जन विहाय सुचिर धृत व्रता, बोले अभी भी माँ लक्ष्मी वैकुंठ का आनंद छोड़ करके नारायण का संग सुख को छोड़ करके अभी भी लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए किसकी? कृष्ण का चरण को प्राप्त करने के लिए अभी भी कठोर तपस्या कर रहे हैं, हैं? उन्होंने ये एक श्लोक बताए और श्लोक कहाँ पर बताए? कहते उद्धव जी जब ब्रज में आए तो उन्होंने जब ब्रज गोपियों की महत्व को देखा वहां पर कहते हैं उद्धव जी क्या कहते हैं? बोले इत्ता पराम तनु भृताम भूवि गोप बद्या, उसके बाद में इसलिए कहते जत आचरते श्री, वहां पर शब्द आया है कहते वहां पर शब्द आता है श्री ललना, हैं? यहाँ पर उद्धव जी कहते हैं कहते जो सौभाग्य को ब्रज गोपीवन को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कहते नायम श्रीअंग नित्यांत रते प्रसाद, कहते हैं कहते जो ब्रज गोपियां जिनके शरीर से कमल फूल का खुशबू निकलती है,
हैं, बोले भुजा दंड गृहित कंठा। जब कृष्ण रास लीला कर रहे थे, कभी कभी कृष्ण ब्रज गोपियों को गले में हाथ लगा करके, जैसे बच्चा कहते हैं ना, मैया मेरे को ये दे दे, मैया हमें ये दे दे, इसलिए कृष्ण कभी कभी गोपियों को प्रार्थना करते थे, हे गोपियां तुम लोग रास छोड़कर मत चले जाओ, नहीं तो रास भंग हो जाएगा, रास का रस खत्म हो जाएगी। बोले जो सौभाग्य, कहते ये गोपियों को प्राप्त हुआ है, हैं, कहते वो सौभाग्य स्वर्ग में देवियों को भी प्राप्त नहीं हुआ, कहते वो सौभाग्य माँ लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुआ। फिर उनने दो तीन जगह से महाप्रभु श्लोक उठा उठा करके जब बताए, तब वेंकट भट्ट कर रहे हैं, मैं तो कभी इस चीज को ध्यान ही नहीं दिया, हम भी भागवत पढ़े लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। फिर महाप्रभु बताए, बोले क्यों क्यों ये जो लक्ष्मी, कहते जो लक्ष्मी क्यों कृष्ण का चरण को प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी तो वैकुंठ में रहने वाली है, कहते लेकिन उनको श्रुतियों श्रुतियों को तो मिला, श्रुतियों को मिला है, हैं, लेकिन ये लक्ष्मी को क्यों नहीं मिला। बोले इसलिए श्रुतियों को मिला क्योंकि उन्होंने गोपियों की अनुगत्य किया है, गोपियों की अनुगत्य की। लक्ष्मी को क्यों नहीं मिला, जब लक्ष्मी बड़ी कठोर तपस्या की कृष्ण की, कृष्ण दर्शन दिए, बोले बताओ क्या चाहते हो। बोले प्रभु मैं आपका रास लीला में प्रवेश करना चाहता हूँ, आपको हम प्राप्त करना चाहता हूँ, रास लीला में प्रवेश करना। बोले देखो अगर प्रवेश करना तो कुछ कंडीशन है। बोले बताओ क्या कंडीशन है। बोले पहला कंडीशन है कि जो लक्ष्मी अभिमान तुम्हारी, ये लक्ष्मी अभिमान तुम्हें परित्याग करना पड़ेगा। बोले ठीक है छोड़ दूंगी, पर तुमको फिर ये गोपी गृह में जन्म लेना पड़ेगा, गोपियों की अनुगत करना पड़ेगा और गोपी गृह में जन्म लेना पड़ेगा। अब गोपियां जैसे कंडा थपथपाए ना, कंडा बिन सकते हो। बोले कर लूंगी। बोले गोपियां जैसे दधि मंथन करती हैं, हाँ बिलोती है, कर सकती हो। बोला हाँ कर ही लूंगी, कोशिश करूंगी करने के लिए, क्योंकि वो तो साधारण नहीं ना, वो तो कहाँ वैकुंठ की लक्ष्मी है, हजार हजार दासियां जहाँ सेवा करती हैं, हैं, कहते हाँ कर लेंगी। बोले और ये काम कर लोगे। बोले बताओ। बोले जो गोपियां जैसे मेरे को प्रेम करती है ना, क्योंकि गोपियों का अलग अलग पति है, गोपियों की अलग अलग पति है, उन लोगों ने मेरे को परकिया रूप में, मतलब दूसरे पुरुष रूप में प्रेम करती है, शादी तो दूसरे पुरुष को हुई है, लेकिन उन लोगों ने मेरे को परकिया रूप में है, वो मेरे को प्रेम करती है दूसरे पुरुष रूप में। कहते कर सकती हो, शादी मेरे से नहीं, शादी किसी दूसरे गोप से होगा। बोले ये नहीं कर सकती, शादी आपसे मैं कर सकती हूँ, नारायण कृष्ण में फर्क नहीं, आपसे कर सकती, दूसरे से मैं कैसे शादी करूंगी, ये नहीं कर सकती हो। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अभी भी लक्ष्मी अपना अभिमान नहीं छोड़ने का वजह से अभी भी बैठ करके तपस्या कर रही है, अभी भी तपस्या कर रही है, अभी भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाए। फिर तो महाप्रभु वहां पर कृष्ण की माधुर्य को बड़ा सुंदर रूप में कृष्ण की माधुर्य को उन्होंने वर्णना किया है। और विशेष करके कृष्ण के अंदर में चार ही गुण है, कितना गुण है कल सुन रहे थे ना, जो और किसी के अंदर में नहीं है। नारायण के अंदर में कितना गुण है, 60 है, और ब्रह्मा शंकर जी के अंदर में 55 गुण है, और देवता के अंदर में 50 गुण है, लेकिन कृष्ण के अंदर में विशेष करके चार गुण है, और किसी के अंदर में वो चार गुण नहीं होने का वजह से ये लक्ष्मी भी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए चाहती है। कहते चार गुण क्या है, बोलो सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल बारिधि, भगवान की जो रास लीला है। आप बताओ कृष्ण को छोड़कर कोई रास रचाया, रास रचाया कौन है, केवल भगवान कृष्ण है। कहते संति यद्यपि में लीला प्राच्या मनोहरा, नाही जानी स्मृति रासे मन में कितनी सब। कृष्ण कहते यद्यपि मेरे बहुत सारी लीला है, लेकिन जब मैं रास लीला के बारे में चिंता करता हूँ ना, कृष्ण का तो पता नहीं मेरा मन क्या हो जाता, मेरे को भी पता नहीं चलता। क्यों, जहाँ पर राधा रानी की सर्वोत्तमता स्थापन की गई, लीला कल अतुल माधुर्य प्रेम माधुर्य प्रिय मंडित। दूसरा जो उनका गुण है क्या है, उनकी प्रेम माधुर्य है। कौन सा माधुर्य है, प्रेम माधुर्य। प्रेम माधुर्य में रूप गोस्वामी दो उदाहरण दिया, क्या क्या उदाहरण दिया, अरे बोलो क्या क्या उदाहरण दिया। इसलिए यहाँ पर उदाहरण दिया है प्रेम माधुर्य में, कृष्ण जब रासलीला कर रहे थे, कितना दिन तक रासलीला किए, बोले ब्रह्मा का एक रात,
1000 चतुर्युगत को उन्होंने रास लीला किया, लेकिन इतने आनंद था उनको, गोपियों को लगा जैसे अभी अभी आए और अभी अभी खत्म हो गया, अभी 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 खत्म हो गया, क्यों आनंद में देखना समय पता नहीं चलता है ना। और दूसरा उदाहरण दिया, कृष्ण जब गोचारण करते हुए आते हैं घर में, जब कृष्ण बड़ी मीठी मीठी बंसुरी बजाते हैं, सारे ब्रज गोपियां घर से निकल करके आती हैं और कृष्ण को घूंघट उतार देखती है। इसलिए कृष्ण का कैसे है, कहते कृष्ण का है, कहते कृष्ण का जो रूप, ऐसे उदाहरण दिया जैसे कमल का फूल कृष्ण का मुंह है, लेकिन उनका जो घुंघराली केस कैसे हैं, जैसे कमल फूल के ऊपर जैसे भौंरा मंडराते हैं, हैं? और गैया का खुर से जो धूल उड़ा देखने में कैसे हैं, जैसे हम क्रीम लगाते हैं ना, पाउडर लगाते हैं वैसे। इसलिए गोपियां जब कृष्ण को दर्शन करती हैं क्या कहते हैं, बोले त्रुटि जुगायते त्वांग मपश्यताम कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते जड़ो दीक्षताम पाक्ष्म की दृशाम। इसलिए गोपियां ब्रह्मा जी को निंदा करते हैं, कृष्ण इतने सुंदर देखने के लिए एक ही दो ही आंख दिए, फिर उसके अंदर पलक झपती है, और पलक जब झपती है पता नहीं चलता है, लेकिन कैसे लगता है, मानो त्रुटि जुगाए थे, करोड़ों करोड़ समय साल बीत गया कृष्ण को दर्शन किए बगैर। यदि ये कृष्ण में इनका ये प्रेम माधुर्य, और चौथा जो माधुर्य है वेणु माधुर्य। अब आज हरि हरि कथा वेणु माधुर्य के ऊपर में सब प्रभु लोग हरि कथा सुनाएंगे, हैं? कहते त्रिजगत मालन साकर से मुरली कलक उज्जित। जब कृष्ण बंसी ध्वनि करते हैं आकाश में, जैसे अभी जैसे फुहारा जैसे पानी गिरता है ना, हैं? मैं क्या सोचता है, कृष्ण मेरे बंधु है, क्यों कृष्ण का रंग मेघ का रंग बराबर है, हैं? इसलिए जैसे मानो कृष्ण के ऊपर छत्री धारण करती है, सुंदर फुहारा जैसे पानी गिरता है ना, ऐसे कृष्ण के ऊपर में जैसे बड़े सुंदर सुंदर फुहारा पानी गिरता है। और उसी समय में सारे पुष्प खिल जाती हैं, कृष्ण जब बंसी ध्वनि बजाते हैं, मयूर सबके सब हैं पंख खोलो करके नृत्य करने लग जाते हैं, कोयल कुहू-कुहू करने लग जाते हैं, चिड़िया मुनि बन जाती हैं, जमुना उल्टी बहने लगती है, सबके सब अपना धर्म को हाँ विपरीत धर्म हो जाता है, इस कृष्ण की बंसी माधुर्य। और चौथा माधुर्य कौन है, कृष्ण का रूप माधुर्य। कृष्ण इतने सुंदर गोपियां उनको ताना मारती हैं, नंदलाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती करोड़ों की, अच्छा हो गया तेरे को लाली नहीं बना कर लाला बना दिया, अगर तू लाली बनता ना दुनिया तेरे पीछे मर जाते हैं, इतने कृष्ण सुंदर है। इसलिए कृष्ण को देख करके स्वयं मुग्ध हो जाते हैं, कभी ये कौन है, अपना परिचय को देख करके ये कौन है इतने सुंदर, कब मैं राधा बनकर के रूप को मैं आलिंगन करूं कृष्ण के मन में। इसलिए कलियुग में कृष्ण स्वयं राधा जी की भाव और अंग कांति लेकर के श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके आए, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। जब महाप्रभु सब कथा सुनाए ना, कथा की नदी की नदी बह रही थी और उसमें पूरा के पूरा ये डूब गए, हैं? ये पूरा के पूरा ये डूब गए, डूब करके उसमें वो तो श्री संप्रदाय में थे, पहले लक्ष्मी नारायण को पूजा करते थे, फिर उन्होंने बास राधा कृष्ण प्रेम में आ गए। उसी समय गोपाल भट्ट गोस्वामी का उम्र था 11 साल उम्र था, उन्होंने भी उसी समय में महाप्रभु की बड़ी सेवा की। अनंग मंजरी तो है, अनंग मंजरी राधा रानी की छोटी बहनी है, राधा रानी की छोटी बहनी, वो तो कृष्ण की बड़ी सेवा करने वाले, गुण मंजरी भी है, इसलिए बहुत उन्होंने सेवा की थी। और महाप्रभु जब 4 मास के बाद में महाप्रभु जाने तैयारी हुए, बोले मेरे को भी साथ में ले चलो, बोले देखो अभी तुम्हारी पिता माता है, अभी उनको सेवा करो, उन्हें अभी सेवा करो उनको, जब फिर चले जाएंगे तुम्हारी पिता माता फिर तुम चले आना। तो गुरुदेव कहते थे, यहाँ पर गुरुदेव कहते थे कि गुरुदेव यही सिखा देते हैं, महाप्रभु जब तक पिता माता रहो तो उनकी सेवा करो, जब पिता माता चले जाएंगे फिर आ जाओ, क्या यही सिखा देते हैं महाप्रभु, बोले नहीं, अभी महाप्रभु एक एक भक्तों के द्वारा एक एक उन्होंने सिद्धांत व ग्रंथों को प्रकाशित किया है। अभी हर संप्रदाय में जैसे श्री संप्रदाय क्या था ना, बोले श्री संप्रदाय में जो विधि है ठाकुर को जो सेवा पूजा करने का जो विधि है ना बहुत सुंदर है, वैधि भक्ति एकदम कठोर रूप में पालन करते हैं, इसलिए भक्ति में सदाचार होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने देखे, हाँ उन्होंने क्या देखा,
कहते अगर ये रहेंगे तो श्री संप्रदाय का जो सदाचार को ये अच्छी तरह से सीख सकता है, हाँ, सदाचार को सीख सकते हैं। बोले उसको बाद में फिर तुम चले आना। फिर जब चले गए उनको पिता माता, जब पिता माता चले गए फिर उन्होंने सब छोड़ करके जब आए गंडकी नदी होते हुए आए, वहीं से उनको 12 सालग्राम उनको मिला था, सालग्राम को लेकर के आए। और इसी समय आने पर झूला का समय पर एक कोई सेठ था, हर मंदिर मंदिर में ठाकुर जी के लिए कपड़ा लता दे कर गए, झूला आएगा, भक्त लोग झूला में ठाकुर को बैठाएंगे, कहाँ से लाएंगे कपड़ा लता, है देख रहे गए थे। अभी इनके मन में इच्छा हुई अगर मेरे पास में भी ठाकुर होते तो हम भी झूला में झूलाते, लेकिन मेरे पास में तो सालग्राम है। बस उनकी इच्छा समझ करके सवेरे रात को शयन दिया। सवेरे जब आकर के देखे स्वयं ठाकुर स्वयं जो सालग्राम स्वयं श्री राधा रमन रूप में प्रकट हो गए। बोले श्री राधा रमन लाल की, सारे गोस्वामी को उन्होंने निमंत्रण दिया, सारे गोस्वामी लोग आए, आकर के ठाकुर को देख करके इनका नाम रख दिया राधा रमन, हैं जो राधा जी को साथ में रमन करते हैं। इसलिए जब ये औरंगजेब ने आक्रमण किया, सारे ठाकुर तो छोड़ दिया वृंदावन, लेकिन राधा रमन नहीं छोड़े, वृंदावन में रहे। बोले क्यों? कहते ये गोविंद गोपीनाथ मदन मन तीनों विग्रह को दर्शन करने का जो फल है, कहते राधा रमन को दर्शन करने का वही फल है। कहते जो गोविंद देव है इनका मुखारविंद देखोगे राधा रमन में, गोपीनाथ का बख्य स्थल देखे उनमें, और श्री मदन मोहन का जो चरण है वो उनमें। ठाकुर का आप देखना शास्त्र में जैसे बताया गया, उनको त्रिभंग ललित रूप है, उनको छाती जैसे बख्य स्थल होनी चाहिए, उनकी मुखारविंद कैसे होनी चाहिए, चरण कमल, कहते ये सबके सब राधा रमन में आया है, सबके सब श्री राधा रमन में आया है। इसलिए कृष्ण जैसे कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादेकम् न गच्छामि, मैं वृंदावन छोड़कर कहीं भी नहीं जाता हूँ। इसलिए कृष्ण जैसे वृंदा देवी वृंदावन छोड़कर आई नहीं, काम्यवन में रुक गई, इसलिए हमारे राधा रमन लाल भी वहीं पर रुक गए, आए नहीं। ये एक कारण। दूसरा कारण है, आप बताओ विश्व ब्रह्मांड जगत को जो मालिक है उनको कोई मुसलमान का डर है? हा? जिनके इशारा पर सारा दुनिया को ध्वंस कर सकते हैं, फिर क्यों फिर ठाकुर जी सब चले आए? जब देखते हैं जो पुजारी लोग जो पूजा करते हैं, जो उनका भक्त लोग जो पूजा करते हैं, अगर सही सही पूजा नहीं करे ना, ठाकुर को सही सही सेवा नहीं करते हैं, फिर ठाकुर जी बहाना बनाकर चले जाते, ठाकुर जी बहाना बनाकर चले जाते। जहां उनको प्रेम मिलता है, जहां उनको प्रेम मिलता है, ठाकुर वहीं पर रहते हैं, हाँ ठाकुर जी वहीं पर रहते हैं। इसलिए उन्होंने देखा वहां राधा रमन का जो गोस्वामी लोग है, ये हमें ठीक ठीक से हमें पूजा करेंगे, हमें भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे। इसलिए ठाकुर जी वृंदावन उन्होंने छोड़े नहीं और राधा रमन वहीं पर रह गए। इसलिए आज श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का आज त्रिभाव तिथि है, इसलिए आज हमारे ऊपर में कृपा करे। उनने कुछ गृहस्थ भक्त बनाया था, अभी उनका जो गोस्वामी लोग है ना उसी परंपरा में ही उनको गोस्वामी लोग उसी परंपरा में ठाकुर को सेवा कर रहे हैं। आज श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का त्रिभाव हम सबको ऊपर में कृपा करे, जैसे उन्होंने महाप्रभु की सेवा की भक्ति की है, हम भी ऐसे महाप्रभु की राधा रमन की हम भी सेवा कर सके। अभी भी राधा रमन मंदिर में महाप्रभु ने उनके लिए एक वस्त्र भेजा था और जो एक पीढ़ी भेजा था, अभी भी राधा रमन मंदिर में वो सुरक्षित है, भक्त लोग दर्शन कराते हैं। इसलिए कहते एक समय राधा रमन मंदिर में ठाकुर को उन्होंने रात को सुलाते समय नियम है पानी देनी चाहिए, एक दिन उन्होंने ठाकुर को उन्होंने पानी नहीं दिया तो सवेरे जब मंदिर खोलने के लिए गए ना, मंदिर खोला ही नहीं, मंदिर खोल नहीं रहा था। बोले क्या हो गया, मंदिर क्यों नहीं खोल रहे? बाद में देखा ठाकुर को शयन देते समय ठाकुर जी को उन्होंने पानी नहीं दिया। इसका मतलब है अगर ठाकुर को सेवा में अगर थोड़ी सी इधर उधर कुछ हो ना, ठाकुर दिखा देते हैं, ठाकुर जी फिर दिखा देते। ऐसे राधा रमन मंदिर में बहुत बहुत सारे अद्भुत अद्भुत वहां पर घटनाएं हैं। बोले श्री राधा रमन लाल की, बोले श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।